जब भी सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन आएगा, पहली चीज यही पढ़ी जाती है कि आपकी बॉडी हॉरिजॉन्टल में है या वर्टिकल में है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं एग्जांपल जो ले रहा हूँ आज वो हॉरिजॉन्टल सर्कल का है। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर एक पत्थर धागे से बांधा और उसको मैंने घुमाना शुरू कर दिया, ये रहा। तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के अंदर पॉइंट नंबर वन, इसकी वेलोसिटी घूमने की टेंजेंशियल है एंड हर पॉइंट पे स्पीड की वैल्यू विल रिमेन सेम, बी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब क्योंकि ये सर्कल में घूम रहे हैं तो बस आप मुझे ये बताओ कि इसमें अगर ये पत्थर सर्कल में घूमता है तो इसके पास घूमने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए? सेंट्रिपेटल कौन प्रोवाइड कर रहा है? कोई कहता जी आप, मैंने कहा कैसे? कहता आप ही तो घुमा रहे हो। टेंशन, मैं जाके पत्थर को तो नहीं पकड़ रहा ना, मेरे और पत्थर के बीच में क्या है? स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में क्या डेवलप हो गई? टेंशन। तो यहां पे ड्रॉ करो टेंशन। टेंशन पेयर में एक्ट करेगी टी एंड टी, और इसका रेडियस स्ट्रिंग का आर। तो अब अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इस पार्टिकल का जो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वी, और टेंशन कहाँ एड कर रही है? टूवर्ड्स सेंटर। तो फ्री बॉडी डायग्राम से कौन सी फोर्स इस स्टोन पे एक्ट कर रही है जो सेंटर की तरफ है? टी, और टी ही एक्ट करेगी सेंट्रिपिटल। तो टी मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, या फिर टी मस्ट बी इक्वल टू एम आर ओमेगा का स्क्वायर। कोई भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता है।